आज हम एक नई विधि के द्वारा गुणा करना सीखेंगे। गुणा करो। इस विधि में जैसे हमें गुणा करना है, 21 गुना 13। तो हमने गुणा करने की कई विधियां सीखी हुई पहले भी। जैसे अगर हमें 21 को गुणा करना है 13 से, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 का पहाड़ा इस अंक तक बढ़ते हैं, 3, 3 एकम 3, फिर 3 का पहाड़ा 2 तक, 3 दूनी 6। हमने इकाई के अंक से गुणा कर लिया है तो इकाई के स्थान पर काटा आ जाएगा। फिर जब 1 से इन दोनों अंकों को गुणा करेंगे, 1 को जब 1 से गुणा किया तो 1, फिर 1 को 2 से किया तो गुणा करके 2 आएगा। फिर इन संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3 यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ चाहे 0 लिख दीजिए, चाहे हमने ये काटा लगा दिया तब भी ठीक है, और 6 और 1 7, ये 2। ये है हमारी पहली विधि है जिससे हम गुणा करते हैं। अब इसको गुणा को दूसरी विधि से भी करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम गुणा कर रहे हैं 21 को 13 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 खाने ऐसे और 2 ऐसे बना लेंगे। हमें 21 से गुना करना है तो 21 यहाँ, और किससे गुना कर रहे हैं 13 से, तो 13 यहाँ आ जाएगा। और इन अंकों को गुणा करने से पहले हर एक वर्ग को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। अब हम 1 से गुना करते हैं, जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो यह पहले खाने में आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 अंक है। कई बार गुणा करने पे 2 अंक आते हैं, कई बार 1, तो आपने पहला अंक यहाँ लिखना है। अगर दूसरा अंक है तो इस वाले जो खाना बना हुआ है इसमें आएगा, नहीं तो यहाँ पर 0 आएगी। फिर हम इस 1 को गुणा 2 से करेंगे, तो जब 2 से करेंगे तो यहाँ 2, 1 को 2 से गुणा करने पर 2 ही आएगा, और ये खाना फिर खाली है तो यहाँ पर भी 0 ही होगी। इसी प्रकार इस 3 की भी इन दोनों अंकों से ही गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 एकम 3, और यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने के बाद 1 ही अंक है। अगर 2 अंक आते तो दूसरा अंक यहाँ आ जाता। इसी प्रकार 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ भी 1 ही अंक है तो यहाँ पर भी 0। अब इस तरह है हमारे पास 1, 2, 3, 4 बनते हैं। तो हर एक का जोड़ इस प्रकार करेंगे, 3 पहला अंक ये आ जाएगा, फिर 6, 0 और 1 इनको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 0 जोड़ते हैं वही रहेगा, तो 7 ये दूसरा अंक आ जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरा अंक ये आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और आगे 0 है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारे पास गुना करके, 21 और जो 13 की गुना है वो क्या आएगी, 273। हमारा जो पहला उत्तर है वो इससे मिल जाता है, और यही हमारा सही है। चलिए इस विधि से एक और सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है कि हमें 65 को गुना करना है 42 से। उसी प्रकार पहले हम 2 बाई 2, यानी कि 2 इस तरह हैं वर्ग और 2 इस तरह हैं, बना लेंगे। फिर यहाँ पर 65 और इस प्रकार यहाँ पर 42 लिख लेंगे। ये जो हमने वर्ग बनाए हैं इनको भी 2 2 हिस्सों में बांट लेंगे। और अब सबसे पहले 4 से गुना करेंगे, 4 को पहले अंक 5 से गुना करेंगे, यानी कि 4 को जो है इकाई अंक से, फिर 4 को 6 से गुना करेंगे। 4 पंजे 20, अब 20 में 2 अंक आते हैं तो 0 जो पहला अंक यहाँ आएगा और 2 दूसरा अंक यहाँ आएगा। जब हमने पहले सवाल किया तो हमारे पास 1 1 अंक आया था, पर इस बार 2 2 अंक आ रहे हैं। इस प्रकार फिर यहाँ पर इसी 4 से 6 को गुना करेंगे, 4 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे तो 4 6 के 24 आएगा, और 4 यहाँ आ जाएगा, और दूसरा अंक 2 यहाँ पर है। इसी प्रकार 2 से गुना करेंगे,
दो को पहले 5 से गुना करेंगे, फिर दो को 6 से। चलिए पहले दो को 5 से गुना करते हैं, 2 5 10, 10 में भी दो अंक होते हैं तो 0 यहाँ और दूसरा अंक ढाई का अंक यहाँ पर आएगा। फिर दो को 6 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 आएगा और दहाई का अंक यहाँ आ जाएगा। जैसे हमने पहले कहा था कि हमारे पास 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4, 4 अंक आएंगे। तो यहाँ पर एक अंक अकेला 0 ही है, दूसरा अंक यहाँ से आएगा, 2 1 0 को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 3 ही रहेगा। अगला अंक यहाँ से आएगा 4 और 1 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, फिर अगला अंक यहाँ। तो हमारे पास इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2703। इसको आप जो हमारे पास पहली विधि है गुणा की, उससे भी करके अपने उत्तर की पड़ताल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले दो का पहाड़ा पढ़ेंगे और वो पहले अंक तक, दो का पहाड़ा इकाई के अंक तक पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा और हमारे पास एक हासिल बच जाएगा। हासिल हम यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ, एक हासिल है। फिर दो का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 हमारे पास आया परंतु एक हासिल भी है, ये एक हासिल इसमें जुट जाएगा, 12 और 1 13, और 13 के बाद भी एक हासिल बचता है परंतु आगे जब संख्याएं नहीं हैं तो ये 13 पूरा आ जाएगा, क्योंकि आगे कोई संख्या गुणा करने के लिए नहीं बचती। अगर यहाँ संख्या होती तो एक हासिल फिर भी होता। जब हमने इकाई के अंक से गुणा कर ली है तो इकाई के अंक के नीचे 0 या काटी लगा देते हैं। अब हमने 2 से गुना कर ली, अब हम 4 से करेंगे। 4 का पहाड़ा पहले 5 तक बढ़ेंगे, 4 5 20, 20 की 0 और हमारे पास 2 हासिल बचेंगे, ये 2 हासिल हैं। फिर 4 का पहाड़ा 6 तक, 4 6 24 और 2 हासिल भी है ना, 24 और 2 25, 26, 26 हमारे पास 2 हासिल फिर भी बचते हैं परंतु आगे गुना करने के लिए कोई संख्या नहीं बचती है तो हम पूरा 26 लिख देते हैं। यहाँ पर 0 जोड़ेंगे, 3 और 0 जब जुड़ेंगे आपस में तो 3 ही आएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, और ये इस प्रकार हम देखते हैं हमारा उत्तर इस उत्तर के साथ मिल जाता है और हमारे उत्तर की पड़ताल हो जाती है। इसे आप और अन्य उदाहरणों के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 3 सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद कीजिए और अपने उत्तर की पड़ताल भी साथ साथ कीजिए। जो पहला सवाल है वो ये है, 39 को गुना करना है 56 से। दूसरा सवाल थोड़ा आसान देते हैं, आपने 24 को गुना करना है 31 से। तीसरा सवाल है, 78 को गुना करना है 67 से। और एक सवाल और छोड़ देता हूँ, यहाँ पर आपने 18 को गुना करना है 24 से। तो आप ये सवाल कीजिए और अपने उत्तर की पड़ताल भी स्वयं कीजिए, और आप इसके आगे और हम सवाल करेंगे, वो वीडियो बाद में मैं आपको मिल जाएगी।